हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आप बहुत जगह देखे होंगे कॉलम में, बीम में, फाउंडेशन में, कंक्रीट में आपका जो भी हनीकॉम्ब आता है, ये क्यों आता है, इसका क्या रीजन है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। बेसिकली मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि हनीकॉम्ब एक्चुअली होता क्या है। हनीकॉम्ब एक तरीके से कैविटी बोल सकते हैं या फिर होल बोल सकते हैं, जिसके कारण आपका जो कॉन्क्रीट है उसमें, आप फोटो देख लीजिए, इस तरीके से आपको मतलब डॉटेज या होल आपको मिल जाएगा, इसी को आप हनीकॉम्ब कहते हैं। इसका जो बेसिक रीजन है, चार पांच रीजन है जो बेसिक है, उन्हीं की वजह से मोस्टली हनीकॉम्ब आता है। जो पहला रीजन आता है, ये लेस यूज ऑफ वाइब्रेटर, ठीक है। वाइब्रेटर ये होता है, आप देख लीजिए फोटो में, इसी को वाइब्रेटर कहते हैं। जब आपका कंक्रीटिंग करते समय, कंक्रीट जब आपका पोरिंग होता है, उसी समय वाइब्रेटर जो है बहुत कम लोग नहीं यूज करते, इसी की वजह से हनीकॉम्ब आता है। क्या होता है कि अब मान लीजिए कंक्रीटिंग की लेंथ ज़्यादा है, तो कहीं प्रॉपर कंक्रीट पहुंच पाता है, कहीं कंक्रीट नहीं पहुंच पाता। वाइब्रेटर से एक तरीके से वेव उत्पन्न होती है, मतलब वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, इसीलिए उसको वाइब्रेटर कहते हैं, जिसके थ्रू आपका कंक्रीट हर जगह प्रॉपर पहुंच जाता है। इसलिए आपको जब भी कंक्रीटिंग करिए, आप कंक्रीटिंग में वाइब्रेटर जरूर मारिए। अगर आप वाइब्रेटर नहीं यूज करते हैं, तो आप 16 mm का रॉड लेकर के उससे प्रॉपर कोकिंग कीजिए, तब आपका कंक्रीटिंग फिनिश आएगा। दूसरा जो आता है, कवर ब्लॉक, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि कवरिंग बहुत कम देते हैं, इसकी वजह से भी आपका हनीकॉम्ब आता है। होता क्या है कि आप मान लीजिए कि आपने कॉलम में यहाँ 40 mm का आपको कवर ब्लॉक देना है, जिसकी वजह से जो आपके 20 mm की जो स्टोन होता है, गिट्टी होता है, ग्रिगेट होता है, वो प्रॉपर आपको बाहर साइड पे नहीं आ पाता, जो आपके कॉलम है उसमें प्रॉपर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से केवल सीमेंट की सैलरी पहुँचती है या फिर कॉन्क्रीट प्रॉपर नहीं पहुँचता, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे हनीकॉम्ब आ जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका प्रॉपर कवर ब्लॉक, और हाई स्टिप। थर्ड पॉइंट है हाई स्टिप ऑफ कंक्रीट। ये क्या पॉइंट होता है, हाई स्टिप ऑफ कंक्रीट के मीन्स ये हो गया, कंक्रीट आपका बहुत ज़्यादा हार्ड जब होता है, बहुत ज़्यादा जब आपका हार्ड हो जाता है, उसकी वजह से भी प्रॉपर मतलब सूखा टाइप के एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आप स्लम्प टेस्ट कर लीजिए, ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, मतलब ट्री स्लम्प होना चाहिए आपका, ट्री स्लम्प पर आप देख लीजिए, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, इससे आपका बहुत हार्ड कंक्रीट नहीं होगा, तो प्रॉपर आपका हर जगह कंक्रीट प्रॉपर पहुंच जाएगा, वाइब्रेटर से भी और उससे भी, ठीक है। तो आपका तीसरा पॉइंट आता है हाई स्टिप आपका कंक्रीट, और फोर्थ पॉइंट आता है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो आपका जो रहता है 0.4 से 0.6% होना चाहिए, ठीक है, बाय वेट ऑफ सीमेंट। 100 किलो जैसे आपका वेट, जो भी आपका सीमेंट है, मान लीजिए जो भी बाय वेट ऑफ सीमेंट होता है, वाटर सीमेंट आपको 0.4 से 0.6 आपको रखना है। ये आपको हर जगह का अलग अलग होता है, क्योंकि कहीं कहीं डस्ट यूज होता है, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा लगता है, वाटर सीमेंट वहाँ पे ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वाटर सीमेंट आपको प्रॉपर उसी तरीके से यूज करना है दोस्तों, ठीक है। और फोर्थ लास्ट पॉइंट आता है सटरिंग। कई लोग क्या है, सटरिंग प्रॉपर नहीं लगाते, कुछ भी ऐसा टेम्परेरी फट्टी लगा दिए, फंटी लगा दिए, टूटा हुआ सटरिंग लगा दिए, जिसकी वजह से ये लोग प्रॉपर वाइब्रेटर नहीं मारते, और बाद पता लगता है कि आपका जो कॉलम है ऐसे फूल गया है, कहीं से टेढ़ा हो गया है, ये प्रॉपर सेटिंग की वजह से भी होता है, इसके कारण भी आपका हनीकॉम्ब आता है दोस्तों। तो टोटल ये 5 पॉइंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट होते हैं, मैं एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट आता है लेस यूज ऑफ वाइब्रेटर, वाइब्रेटर का आप अगर कम यूज करेंगे उसकी वजह से आपका हनीकॉम्ब आता है। दूसरा पॉइंट आता है कवर ब्लॉक। अगर कवर ब्लॉक आप मान लीजिए कहीं लगाते हैं, कहीं नहीं लगाते, उसकी वजह से भी आपका कंक्रीट में हनीकॉम्ब आता है, जिसकी वजह से आपका बड़ा जो गिट्टी है प्रॉपर चारों साइड नहीं हो पाता, ठीक है, इसकी वजह से भी हनीकॉम्ब आता है। हाई स्टिप ऑफ कंक्रीट, हाई स्टिप ऑफ कंक्रीट मतलब आपका जो कंक्रीट है वो ट्यूब शेयर होना चाहिए, आप स्लम कॉन्टेस्ट कर लीजिए, उसका ट्यूब शेयर होना चाहिए, उसी के हिसाब से रहना चाहिए। लास्ट में आता है फोर्थ पॉइंट, कवर सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट आपका 0.4 से 0.6% होना चाहिए बाय वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। और जो लास्ट आता है सटरिंग, सटरिंग आपको प्रॉपर लगा लेना है, इसकी वजह से भी हनीकॉम्ब आता है, क्योंकि सटरिंग न लगाने की वजह से लोग उसे प्रॉपर वाइब्रेटर नहीं यूज करते, पॉकिंग नहीं करते, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है दोस्तों। तो आशा करते हैं वीडियो को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, प्लीज़ हमारे चैनल से अपना प्यार और सपोर्ट जरूर बनाए दोस्तों। हमारे दूसरे चैनल पे भी विजिट करें, उसका भी डाउनलोड, उसका भी वीडियो, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप विजिट कर सकते हैं, और वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद।